हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में हर तरफ बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात, बारिश का 46 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। मुंबई में इतनी भीषण बारिश हो रही है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, गाड़ियां जगह जगह फंसी पड़ी हैं, यहां तक ट्रेन भी फंस गई है। एनडीआरएफ को मदद के लिए उतरना पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि लोग घरों से न निकले। बुधवार को मुंबई की बारिश का हाल निसर्ग तूफान के दिन से भी ज्यादा खतरनाक नजर आया। दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 46 साल बाद अगस्त में 12 घंटे में 294 मिलीमीटर बारिश हुई। इसे दक्षिण मुंबई में बरसों बाद सड़कों पर बहुत पानी दिखा। अगस्त महीने में कोलाबा में 1974 में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड 262 मिलीमीटर का था, जबकि बुधवार को यहां 293.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले दो दिन से जारी बारिश बुधवार को और बढ़ गई। तेज हवा और बारिश के कारण मुंबई में जनजीवन प्रभावित हुआ। मुंबई में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बुधवार को 12 घंटे की बारिश ने न सिर्फ माया नगरी की रफ्तार रोक दी, बल्कि जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। बुधवार को 12 घंटे की मूसलाधार बारिश ने मुंबई के सभी इलाके जलमग्न हो गए, पेड़ गिर गए, रेलवे सेवा ठप हो गई, हाईवे बंद हो गए, सड़कें डूब गई और घरों में पानी घुस गया। हालांकि मुंबई वालों के ऊपर अब भी आफत मंडरा रहा है। मुंबई में भारी बारिश के साथ साथ गुरुवार दोपहर को 1:51 पर हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मुंबई शहर और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटे में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमकने की संभावना है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज दवे की रिपोर्ट।